हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। यह आप देख रहे हैं, मेरे सामने अजीलिया प्लांट रखा हुआ है और ये सिंगल पेटल्ड गुलाबी कलर का है। आज ही इसमें फ्लावर्स निकले हैं और मैं आप सभी व्यूअर्स के साथ में इसे शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अब गर्मियों के मौसम में हम एंथूरियम की केयर किस तरीके से करें। इसके ऊपर मैंने करीबन 2 से 3 वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि इनको रिपॉट किस तरीके से करें, ये किस तरीके के प्लांट्स होते हैं और पॉटिंग सॉइल किस तरीके से करें, प्रॉपगेट कैसे करें। आज मैं आपको बताऊंगी समर सीज़न में इनको केयर कैसे करें। तो यदि आपके घर में कोई ऐसा वरांडा है या ऐसी स्पेस है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, मतलब दिन भर उजाला रहता है पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो आप वहाँ पर भी इन्हें रख सकते हैं। मैंने इन्हें अपने बालकनी में रखा हुआ और मैंने आपको बताया था कि बालकनी को मैंने शेड नेट से कवर करके रखा हुआ है। तो इसमें इनको बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते हैं तो उस दौरान मिलीबग का खतरा हो जाता है। तो इन पर टाइम टाइम से आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। मैं सुबह इनको पानी देती हूँ और इनको बहुत अच्छे से नहला देती हूँ। सुबह की इनको 1 घंटे की धूप लगती है और इनडायरेक्ट सनलाइट आप देख रहे होंगे, ये इनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है अभी इस दौरान। और जब ये रूट बाउंड हो जाते हैं कभी भी प्लांट्स, छोटे से पॉट में आप लगाइए, कभी भी आप ले कर आते हैं तो आप इसे छोटे पॉट में लगाइए। जब इनमें काफ़ी सारी लीव्स हो जाती हैं, जब काफ़ी रूट बाउंड हो जाते हैं तो ये हेल्दी भी हो जाते हैं, ब्यूटीफुल भी लगते हैं और इनमें से फ्लावरिंग भी निकलती है। इसमें मेल आपको दोनों फ्लावर्स दिख रहे होंगे, ये लेफ्ट साइड में जो ये मेल फ्लावर है और ये जो राइट साइड में ये फीमेल फ्लावर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, मैंने ये जो दिख रहे होंगे आपको, ये 2 पॉट्स में रखे हुए हैं, मतलब एक छोटे से पॉट में ये लगे हुए हैं और बड़े से पॉट में मैंने इनको रखा हुआ। तो ये जो प्लास्टिक के पॉट से आजकल इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, आप उनको लेकर आइए, उनमें होल मत कीजिए और उनमें छोटे छोटे पेबल्स डाल लीजिए, चाहे गिट्टी हो चाहे छोटे छोटे पेबल्स हो, ईंट के टुकड़े भी होंगे तो वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि ईंट के टुकड़े पानी पीते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। तो मैंने क्या किया है, इनको बड़े से पॉट में रख के और नीचे मैंने इनको थोड़े से पेबल्स डाल के रखे हैं और उसके अंदर में मैंने फिर ये छोटे छोटे पॉट्स रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे हो रहे हैं क्योंकि एक तो इनको इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिल रही, दूसरा इनको डायरेक्ट ओपन एयर नहीं मिल रहा क्योंकि इसके पहले मैंने अपने स्टेयर्स पे रखा हुआ था इनको, टेरेस स्टेयर्स पे, तो वहाँ पे क्या इनको सनलाइट भी मिलती थी। तो जैसे ही मौसम गर्म होने लगा तो इनकी पत्तियाँ जलने लगी और ये जैसे ही यहाँ पे आए तो आप देख रहे होंगी इनकी पत्तियाँ भी डार्क ग्रीन हो गई हैं। हालांकि मैंने आपको बताया है कि आप इनमें जाइम, मैं महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार ही जाइम डालती हूँ, इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, ये विदाउट एनी, क्योंकि वो स्लो रिलीज़ होता है, आप एक बार डालते हैं तो वो 1 महीने तक इनको फर्टिलाइज़ करता रहता है। और इस तरीके से देखिए, ये देखिए मैं लिफ्ट करके आपको बताती हूँ, ये मैंने ये छोटे से पॉट में लगा रखा है, ये हार्डली 5 इंच का पौधा गमला है और इसको मैंने ये देखिए 8 इंच के गमले में मैंने ऐसे पानी नीचे डाला हुआ है और ऊपर थोड़े से ये आपको दिख रहे होंगे ये पेबल्स डाले हुए, स्टोन्स कह सकते हैं, मैंने स्टोन्स डाल के रखे हुए हैं और बस मैं नीचे का पानी टाइमली चेक करती रहती हूँ कि वो खत्म ना हो। यदि आप इसमें पानी देना भी भूल गए, इनमें पानी की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती, आप ट्वाइस अ वीक भी डालें तो भी ठीक है। तो इस तरीके से आप डाल के रख दीजिए, ये बहुत अच्छे हो जाते और बहुत ही खूबसूरत लगते। बस मिस्टिंग आप दिन में 1 बार इनमें ज़रूर कीजिए, पानी स्प्रे कीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों का हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलती हूँ। आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी पे फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।